नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो विषय है थोड़ा सा गंभीर मुझे लग रहा है, क्योंकि जब जुड़वा आत्माओं की बात हुई थी हमारे चैनल पे, या फिर मैंने आपसे कहने की कोशिश की थी, या फिर जब भी आपको जब पता चली होगी ये बात जुड़वा आत्माओं की, जिन्होंने जीवात्मा जगत के नियम ये किताब पढ़ी है उनको ये पता होगा, तो उनको थोड़ी सी टेंशन आई होगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद को एक ऐसी कमेंट आई थी और मुझे खुद को भी ऐसे सवाल पड़े थे उस वक्त जब मैंने पहली बार ये सुना था, तो उसका मैं आज जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। कभी कभी कहते ना कि कुछ सवालों के जवाब हमारे अंदर से ही हमें मिलते हैं, तो वैसा ही मुझे मिला है। मैं बहुत दिनों से इस बारे में सोच रहा था, लेकिन आज पूरी तरह से कंफर्म जब हुआ उसका जवाब, तो मैं आपको कहने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहले कहते ना कि जिनको नहीं पता जुड़वा आत्माओं के बारे में अभी भी, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ, जुड़वा आत्मा मतलब क्या होता है कि जब हमारी आत्मा एक एक लोक से ऊपर जाती है, तब सर्वशक्तिमान ईश्वर ने ऐसा नियम निकाला है कि जब हमारी आत्मा चौथे लोक में स्तर पाँच में पहुंच जाएंगी, तब मतलब आप समझ गए कि चौथे लोक में स्तर पाँच में जब हमारी आत्मा पहुंच जाएगी, तब हमारे आत्मा के दो हिस्से बना दिए जाते हैं, मतलब दो उसके भाग बना दिए जाते हैं अलग अलग, और दो अब अलग अलग आत्माएँ हैं, एक के दो बन गए। तो उन दोनों आत्माओं को अब अलग अलग तरीके से जन्म लेना होगा और अलग अलग तरीके से आगे आगे बढ़ना होगा। और जब ये आत्माएं अपनी तकरीबन जो इस लोक की जो जर्नी है, जो उसका प्रवास है, जो उसकी सफ़र है, वो सात लोक तक जब जाएंगे, मतलब चौथे लोक में ये दो अलग अलग हुए हैं, जब सातवें लोक में ये स्तर नौ को पार करेंगे, मतलब स्तर दस में जब ये प्रारंभ इनका होगा इन आत्माओं का, तब ये फिर से एक हो जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि ये दो भाग किए जाते हैं और वो कहाँ पे किए जाते हैं और कहाँ पे वो फिर से एक होंगे। तो बहुत लोगों के मन में ऐसा ही सवाल आता है कि दोनों तो मतलब ये तो इम्पॉसिबल है कि दोनों एक ही स्तर से आगे बढ़े, कोई आत्मा पीछे रहेगी और कोई आगे रहेगी, ये तो बात है ही डेफिनेट। लेकिन अगर बात करें कि ये सारी चीज़ों को लेकर हमें क्या चिंता करनी चाहिए, या फिर हम सोचना ये चाहिए कि क्या हमारे जुड़वा आत्मा कहाँ पे है, या फिर हमें ये सोचना चाहिए कि क्या वो पीछे रह जाएगी या फिर हम पीछे रह जाएंगे वो आगे बढ़ेंगी, तो इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको आज देने की कोशिश करूँगा। ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही कम लोग जानते हैं जुड़वा आत्माओं के, लेकिन ये अपना वजूद पूरी तरह से रखे हुए है, ये पूरी तरह से सच बातें हैं। क्योंकि डॉक्टर माइकल न्यूटन जी की भी की किताब में मैंने ये पढ़ी थी जुड़वा आत्माओं की बातें। एक लड़की ने अपने जीवन के बारे में कहा था कि वो एक ही वक्त में दो जन्म उसके चल रहे इस दुनिया में, और दोनों में भी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते ना कि बहुत ही ज़्यादा दुखी जन्म थे उसके, और बहुत ही गरीब परिवार में थे वो, ऐसी जगह पर रह रहे थे जहाँ पर बिजली भी नहीं थी, जहाँ पर बहुत ही मतलब बहुत ही आम से घर, जो पहले जिस तरह से लोग रहते थे वैसे घर में आज वो रह रही थी। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी चिंताजनक लगती है मुझे भी, लेकिन मुझे लगता है कि जो कहते हैं ना कि अगर सच्चे मन से आप इन सारी चीज़ों का सामना करें या फिर परिस्थिति का सामना करने की कोशिश करें, तो कुछ भी आपके सामने आए आपको इतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आगे ये सारी बातें आएंगी ही। तो जुड़वा आत्मा को लेकर हमें क्यों नहीं डरना चाहिए, इसके बारे में अब हम चर्चा करने की कोशिश करते। देखो, भगवान ने ये सारी चीज़ें जो बनाई है वो किसी ना किसी कारणवश बनाई है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी जो हमें मार्गदर्शन करने वाली है। ये सबसे पहली बात है, क्योंकि मैंने आज तक बहुत लोगों का ऐसा देखा है कि जो मतलब पहले तो मतलब ज़रा भी वो उन भगवान वगैरह इन सारी चीज़ों में वो विश्वास नहीं करते थे, लेकिन आज वो हमसे भी ज़्यादा भगवान को वगैरह मानते हैं। तो उनमें ये सारे बदलाव किसने लाए? मैं आध्यात्मिक बदलाव वगैरह कह रहा हूँ, सिर्फ भगवान को नमस्कार करना वगैरह नहीं, जो इंसान दिल से अच्छे होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कुछ अच्छा कर्म करते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो इस तरह से जब इंसान आगे बढ़ता है तो उसका विकास अपने आप बहुत ही अच्छा मतलब उसका हो जाता है विकास, अगर उसके देखा जाए तो। लेकिन अगर हम जुड़वा आत्मा की बात करें तो वो कुछ लोगों का ऐसा भी लगता है कि जुड़वा आत्मा हमारे साथ ही कोई जन्म लेती है वगैरह, लेकिन इसका जवाब नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत जब जुड़वा आत्मा के बारे में देखा है तब यही देखा है कि वो बहुत ही अलग अलग देश में भी मतलब बहुत ही ज़्यादा अंतर में वो जन्म बहुत ही लेते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा मतलब इतना बॉन्ड वगैरह नहीं करते। आत्मालोक में भी हो सकता है कि वो अलग अलग समुदाय में हो, जिस तरह से वो प्रगति करेंगे उस तरह से उनके समुदाय भी उनके बदलते जाएंगे, ये निश्चित है। तो जुड़वा आत्माओं के लेकर मुझे नहीं लगता कि क्यों आपको मैं कह रहा हूँ कि क्यों हमें चिंता करनी चाहिए, मैं आपको बोल देता हूँ। देखिए, मुझे खुद को ऐसा लगता है कि हमारे सामने जो फिलहाल चीज़ें हैं उसका आप सामना करें,
मैंने बहुत बार आपसे कहा है कि आप अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी जिए, अच्छी तरह से मतलब बहुत ही सुख शांति से आप ज़िंदगी जिए, इसका मतलब ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में जितने अच्छे चीज़ों का चुनाव करते हो वो अच्छा है। हाल ही में मुझे एक मैडम जी ने बताया था कि मैं बहुत बार ऐसा कहता हूँ कि आप समाज के लिए कुछ करो वगैरह, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में इतने परेशान हूँ कि मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए, मैं ऐसे ज़िंदगी में समाज के लिए और क्या करूँगी, उन्होंने ऐसा मुझे कहा। और एक सज्जन जी ने मुझसे ये पूछा था कि हमें कैसा बिहेव करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, तो मैं उन दोनों को और मतलब उन दोनों को भी मैंने जॉब दिए थे और फिर भी ऐसे लोगों के जिनमें मन में सारी चीज़ें आती है, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, देखियो आपको ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप अभी तक जिए जीते आए हो वैसे ही जियो। कोई आपको नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, कोई आपको शाम को 2-3 घंटे समाज में घूमो और लोगों के लिए कुछ करो, ऐसा कुछ मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि इतनी बड़ी मतलब कहते हैं ना कि हम कोड़ी खुर्शीद भावनगर जी ने भी हमसे कहा है कि हमें कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप रोज़ जीते हो वैसे ही जियो, सिर्फ एक ही बदलाव करना है कि समझो आज के दिन में मैं घर से बाहर निकला काम करने के लिए, नौकरी वगैरह करने के लिए, तो ज़िंदगी में मेरे हमारे घर के लोग या फिर हमारे बाहर के लोग जितने भी हमारे संपर्क में आएंगे, आप बहुत ही अच्छे से उनसे बात करने की कोशिश करें, कितना भी आपका मूड ऑफ हो या फिर कैसा हो, बहुत ही अच्छे से हंसने के लिए तो कुछ नहीं लगता, तो आप हंस के तो बात कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से आप उनसे बात करने की कोशिश करें। समझो किसी को मदद चाहिए, मैंने बहुत बार आपसे कहा है कि कोई अंधा इंसान वगैरह हो उसको रास्ता क्रॉस करा सकते हो, मतलब रोज़ के जीवन में जो आपके सामने चीज़ें आती है वो, कोई मतलब आपसे ये तो नहीं ना कह रहा कि आप रास्ते पे खड़े होकर किसी का वेट करो कि मैं किसी को मदद, ऐसा ज़रा भी नहीं है। जो चीज़ें आपके सामने और हर इंसान के सामने ऐसी चीज़ें आती ही है, क्योंकि परिस्थिति भी हमारी बहुत बार परीक्षा लेती है, ये सच है, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी कि हमें नहीं समझ में आता कि मैं क्या चयन करूँ, ऐसे वक्त में आप इंसानियत को देखें और उस तरह से चयन करें चीज़ों को, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। मैंने आपको बहुत बार एक उदाहरण दिया है, मैं फिर से देता हूँ कि एक इंसान था, ये डॉक्टर माइकल न्यूटन जी की ही किताब में आया है ये किस्सा। उस इंसान को जब इस दुनिया से वो चला गया तब बड़ी आत्माओं ने उससे ये कहा कि तुमने उस लड़की के लिए जो किया बहुत ही अच्छा किया। अब ये जो इंसान था वो एक अब उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हुई थी, तो उसको समझ में नहीं आया कि वे कौन सी लड़की की बात कर रहे, तो उन्होंने कहा कि कौन सी लड़की, तब इन्होंने वो जो स्मृतियाँ थी वो उसके दिल के अंदर डाल दी उसके आत्मा के और कहा कि ये लड़की। तब उसने देखा कि कुछ सालों पहले मतलब वो जब अपनी ज़िंदगी जी रहा था पृथ्वी पर, तब एक बार क्या हुआ कि वो एक जगह से जा रहा था, तब एक लड़की एक रेलवे ट्रैक पर खड़ी थी और वो आत्महत्या करने की कोशिश करने वाली थी, तो ये वहाँ पे गया और उसको लगा कि वो लड़की शायद दुखी है, तो इसने जाकर उससे बात की उस लड़की से, तो उस लड़की ने कहा कि मेरा ऐसा हुआ मैं अब जीना नहीं चाहती वगैरह, तो इसने ज़्यादा भी उससे बात नहीं करी, इसने यही कहा कि तुम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकते हो, तुम ऐसे मतलब ऐसे विचार ना लाओ, एक अच्छी ज़िंदगी तुम्हारे सामने आ सकती है, जितना हो सके मैं आपको मदद करने की कोशिश करूँगा। ये सुनकर उस लड़की ने मतलब उनसे कोई मदद भी नहीं वगैरह मांगी, लेकिन वो लड़की सिर्फ वहाँ से चली गई। तो आप देख सकते हैं, देखने के लिए बहुत ही बड़ा ही कर्म है, मैं नहीं छोटा नहीं कह सकता, लेकिन उस इंसान के हिसाब से देखा जाए तो उसने बहुत ही छोटा कुछ किया, लेकिन बड़ी आत्माओं ने उसको इतना तारीफ़ किया कि उसको ही मतलब लगा कि अरे इन सारी चीज़ों को कितना महत्व दिया जाता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि समाज के लिए मतलब ऐसी ही चीज़ें रोज़ के जीवन में जीते हुए जो सामने आती है वही चीज़ें, आपको कुछ ज़्यादा बड़ा, हम सोशल वर्कर तो ज़रा भी नहीं है, मुझे भी पता है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में समझो कोई हमसे कोई कहेगा कि भाई हम समझो बैंक में जाते हैं, तो बहुत बार ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि कोई बूढ़े वगैरह इंसान कहते हैं कि हमें स्लिप भर के दो वगैरह, तो बहुत लोग तो मतलब कंटाला करके ही देते हैं, तो हंसते हंसते या फिर अच्छे निस्वार्थ रीति से अगर हाँ बाबा जी वगैरह हाँ चाचा जी मैं लिख के देता हूँ, हंस के उनके साथ अगर हम उन्हें कोऑपरेट करें उनकी मदद करें, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना उसको बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो मैं यही चाहता हूँ आपसे कि आप ऐसी ही चीज़ें करो, बाकी कोई बड़ी उम्मीद नहीं है किसी से भी। खुर्शीद भावनगरी जी ने भी यही कहा है कि हम कोई उज्जवल और कहते ना दैदीप्यमान काम करेंगे ऐसा हमसे कोई नहीं चाहता, खुद ईश्वर भी नहीं चाहते कि हम अमानवीय मतलब कुछ बड़ा सा कुछ क्रांति वगैरह लाए दुनिया में, उसके लिए परमेश्वर खुद कोई जन्म ले सकता है या फिर अपने दूध भी भेज सकता है इस दुनिया को सुधारने के लिए वगैरह, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जाने दो, हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन ये जो हमारी बस की बात है कि हमारी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें आती है उसका सामना करें और एक निस्वार्थ रीति से एक अच्छे जीवन जीने की कोशिश
कोशिश करे, कभी भी अपने कर्तव्य से ना भागे। ये जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मैंने आपको 2-3 कहानियाँ भी सुनाई थी मेरे मौत के बाद मेरे साथ क्या हुआ उसमें, कि बहुत लोगों ने ऐसा ही कहा है उसमें। आप फिर से चाहिए तो वो उसका मैंने अलग प्लेलिस्ट भी बनाई है, उससे आप डायरेक्टली उन सारी वीडियोज़ को देख सकते हो। उसमें बहुत लोगों ने यही कहा है कि पृथ्वी पर चाहे पैसों को या फिर इंसान के प्रेस्टीज को या फिर कहते हैं ना कि उसके रुतबे को महत्व दिया जाता होगा, लेकिन आत्मलोक में सिर्फ और सिर्फ मन की पवित्रता और उसको जो उसने जो भी निस्वार्थ रीति से कर्तव्य किया है दूसरों के लिए या फिर अपने परिवार को भी जिसने अच्छे से संभालने की कोशिश की है। कभी कभी कुछ इंसान मैंने देखा है कि अपने जो डिसीजन होते हैं और दूसरे पर लादते नहीं, वो दूसरे को भी उतनी ही कदर करते हैं, तो ऐसे इंसानों को बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे महत्व दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा। आपको मैं फिर से कहता हूँ कि आपको कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ हमें सिर्फ अपनी ज़िंदगी अलग तरीके से जीनी होगी, वही जीनी है ज़िंदगी, लेकिन अलग तरीके से। तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे आपको खुद को भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि सिर्फ ऐसे छोटी सी सोच बदल के ना इंसान ने एक दो लोग वो ऊपर चले जाते हैं सिर्फ एक ही जन्म में। तो आप समझ सकते हैं कि इन सारी चीज़ों को कितना बड़ा महत्व है। तो ये मैं आपसे क्यों कहा कि हमें ज़िंदगी में जिस तरह से जीना है वैसे ही जीना है, क्योंकि हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए जुड़वा आत्माओं को लेकर। क्योंकि देखो अभी मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ, राम और श्याम ये दो मतलब एक कोई आत्मा थी और उसके अब दो भाग हुए हैं, वो चौथे लोक में पांचवें स्तर पर समझो गई है और अब उसके दो भाग हुए हैं, एक वो है राम और दूसरा है श्याम। राम बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रगति कर रहा है और आगे आगे जा रहा है, और श्याम जो है वो थोड़ा सा पीछा हट रहा है। मतलब अब राम बहुत ही अच्छे लोक में है, छठे लोक में, और श्याम है जो अब पाँचवें लोक में है। हाँ, तो हमें टेंशन क्या आती है, बहुत लोगों को ऐसा ही टेंशन आती है या फिर मुझे ही शायद ऐसा लगा होगा कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं तो बहुत ही अच्छी से प्रगति करूंगा लेकिन जुड़वा आत्मा के वजह से मैं रुक जाऊंगा। क्योंकि आगे का खुर्शीद भावनगरी जी ने यह कहा है कि जुड़वा आत्मा जब समझो सातवें लोक पर गई है और वो नवें स्तर तक गई है, एक जुड़वा आत्मा मतलब समझो राम एक सातवें लोक में दसवें स्तर पर गया है, लेकिन शाम अब तक वहाँ पे नहीं आया, इसलिए वो वहाँ पे रुका ही रहता है, उसको रुकना ही पड़ता है, वो आगे नहीं जा सकता। तो उसे बहुत बार कभी कभी खुर्शीद बाबू नगरी जी ने कहा है कि 500-600 साल भी उसको वेट करना पड़ता है दूसरी आत्मा का वहाँ पे आने के लिए, और जब वो आत्मा उसके विकास के स्तर गाँट लेगी तब वो दोनों एक हो जाएंगे। तो आप इसलिए बहुत लोगों को चिंता होती है कि जुड़वा आत्मा के वजह से इनको रुकना पड़ता है, लेकिन आपको डरने की क्यों ज़रूरत है मैं आपको बोलता हूँ। समझो राम बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रगति कर रहा है और वो सातवें लोक में नौवें स्तर तक समझो पहुँच गया है, और जो दूसरी आत्मा है वो पाँचवें स्तर पर है। तो राम को तो ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कि शाम को डरने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उसके सामने कुछ ऐसी चीज़ें हैं या फिर उसको इन सारी चीज़ों का सामना करना है। सामना ये जो करने की बात है वो बहुत ही मुश्किल है, आप अपनी ज़िंदगी से या फिर मैं अपनी ज़िंदगी से इन सारी चीज़ों को समझ सकते हो, क्योंकि ज़िंदगी जीना बहुत ही मुश्किल है, पृथ्वी पर तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो आप समझ सकते हो कि जो राम है उसको ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि उसने इन सारी चीज़ों का चयन किया है या फिर वो अपने विकास पूरी तरह से उसने किया है और अब वो सातवें लोक में है वहाँ पे। तो खुर्शीद भावनगरी जी ने या फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर आपसे ये नहीं कहेगा उस वक्त कि आपकी जुड़वा आत्मा वहाँ पे रह गई है इसलिए आप फिर से जन्म वहाँ पे ले और वहाँ पे दुख भोगो, ये आपको कोई भी नहीं कहेगा। ये बात आप प्लीज़ जान लो, जो बड़ी आत्माएं हैं मतलब जो राम है उसको ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने तो अपना विकास बहुत ही अच्छे से कर लिया है और वो वहाँ पे है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सिर्फ रुकना ही पड़ रहा है ना, उसका दूसरा कुछ भी नुकसान नहीं है। और मैं सच कहता हूँ कि आत्मलोक में काल जो है वो अनंत है, अनंत का मतलब कभी भी ख़त्म नहीं होगा, करोड़ों करोड़ों से करोड़ों कहते हैं ना ट्रिलियन साल वगैरह वहाँ पे होते हैं, इसलिए आपको ज़रा भी समय को लेकर तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अनंत मतलब ट्रिलियन से भी बहुत ही कभी भी ना ख़त्म होने वाला समय है वहाँ पे, तो इसलिए हमें इस चीज़ को लेकर तो ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे हाथ में क्या है, इसलिए वहाँ पे राम को तो ज़्यादा से ज़्यादा रुकना ही पड़ेगा, और वो सिर्फ रुकेगा नहीं, वो वहाँ पे बहुत ही खुश होगा। और हम बात कर रहे हैं सातवें लोक की, हम बात दूसरे या फिर तीसरे लोक की या फिर पहले लोक की नहीं कर रहे। सातवें लोक में अगर कोई आत्मा रुकी है तो वो बहुत ही खुश, बहुत ही मतलब खुशी की भी परिसीमा है वहाँ पे, तो वो बहुत ही खुश वहाँ पे रहे होंगी। हाँ, उसको थोड़ा सा मतलब दुख होगा कि अपनी जुड़वा आत्मा अब तक यहाँ पे नहीं आई, लेकिन ये कितना ज़्यादा दुख है ना। समझो कि आप कहीं पे पहुँचे हैं और आपका करीबी वहाँ पे आने वाला ही 100% आने वाला है। वो क्यों आने वाला है मैं आपको फिर से बोलता हूँ, क्योंकि जब वो एक बड़ी आत्मा मतलब जो सातवें लोक तक समझो चली गई है आत्मा, तो वो बड़ी ही आत्मा होगी बराबर। तो परमेश्वर भी बहुत सारी मदद करती है ऐसे आत्माओं को खड़ा करने के लिए। क्यों? क्योंकि इन सारी चीज़ों से इसका कुछ गलत हो रहा है उस सातवें लोक के आत्मा का, तो वो अपने मार्गदर्शक बार बार भेजेगा, वो शाम को बार बार मार्गदर्शन करते रहेंगे पृथ्वी के बहुत सारे लोग मतलब मार्गदर्शन करने के लिए भेजा जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से उसको बहुत सारा
दर्शन तो मिलेगा ही। इसलिए मैं आपको बहुत बार कहता हूँ कि जो भी चीज़ें हैं कि हमारे सामने जब ऐसी चीज़ें आती है कि तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा पढ़ो या कुछ अच्छा बनो या फिर निस्वार्थ तरीके से कुछ करो, ज़िंदगी में अच्छा बन के इस ज़िंदगी से हमें जाना होगा, ताकि हमारा मतलब कहते ना कि कोई हमें अच्छा तो ना कहे ठीक है, लेकिन कोई हमें गालियाँ ना दे या फिर कुछ बुरा ना कहे। तो ऐसी जो ज़िंदगी होती है जो हम समाज के लिए मैं फिर से कहता हूँ कि एक हेल्पफुल ज़िंदगी, मतलब आप समझ गए होंगे कि समाज के लिए मतलब कोई सोशल वर्कर थे जैसा तो हम नहीं मैं कह नहीं रहा, लेकिन एक बाबा ये कि किसी कभी किसी को इसने नाराज़ नहीं किया या फिर कभी इससे मदद मांगी तो इसने ना नहीं कहा, ऐसे लोग जो होते हैं। तो अगर इस तरह से हमारे सामने चीज़ें आती है कि हम भी अच्छा बर्ताव करें दुनिया से, तब हमें बदलने की ज़रूरत है अंदर से, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं सच कहता हूँ खूब कभी कभी कुछ लोगों के सामने ऐसी चीज़ें भी नहीं आती कि वो सुधर जाए, ऐसी चीज़ें आती है कि वो और बिगड़ जाए। तो हमारे सामने अगर ऐसी चीज़ें आती है कि हम सुधर जाए तो हमें बदलाव लाना होगा। अब ये मुझे लगता है कि कहते हैं ना कि ये कि सिक्के का एक साइड हुई, दूसरी साइड ये भी हो सकती है कि समझो मेरी कोई आत्मा है वो उसने प्रगति कर भी ली होगी, वो सातवें लोक में नौवें लोक में वहाँ पे खड़ी होगी मेरे लिए और मैं यहाँ पे अटक रहा हूँ। तो ऐसी भी चीज़ें सच हो सकती है कि हमारी जुड़वा आत्मा बहुत ही आगे भी गई होगी। तो मैं आपसे यही कहूँगा, यही हाथ जोड़कर विनती करूँगा कि हमारे सामने जो चीज़ है उसमें हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, और आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ बड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है भाई। मैं आपसे फिर से कहता हूँ, आप सिर्फ काम क्रोध लोभ को छोड़िए, जहाँ पे इनका अधिकृत यूज़ है वहाँ पे ही करने की कोशिश करें और उसके बाद इसे छोड़ दे, उसके बाद वैराग्य धारण कर ले। वैराग्य मतलब कभी कभी मैं वैराग्य तो सच कहता हूँ व्यसन को बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वैराग्य का मतलब है कि जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है ऐसी चीज़ों का त्याग करना। व्यसन की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, और इससे इतना बुरा होता है कि मैंने बहुत बुरा देखा है लोगों का होते हुए, इसलिए व्यसन को छोड़ दीजिए, मतलब वैराग्य धारण कर लीजिए। वैराग्य मतलब जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो, वैराग्य मतलब घर बार छोड़ के मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ ऐसा ज़रा भी नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि जो असली इंसान, जो कहते हैं ना कि असली जो वैरागी इंसान है वो बहुत ही अच्छे से अपने घर को संभालेगा, वो बहुत ही अच्छे से अपने माता पिता अपने बीवी बच्चों को संभालेगा और उनको भी एक अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश करेगा। तो पहले तो मैंने कहा कि काम करो लोभ को छोड़िए, वैरागी बनने की कोशिश करें, अच्छे से अपने परिवार को संभालने की कोशिश करें, और आगे बढ़ने के लिए आप स्थित प्रज्ञता कर्तव्यता और विवेकशीलता को धारण करें और आगे बढ़े। ऐसे अगर हम जिंदगी जिए इन सारी चीज़ों में से थोड़ा बहुत भी हमने कुछ चयन किया और उस तरह से अंगीकार करके हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हम बहुत ही कम समय में सातवें लोक पर जा सकते हैं। बहुत ही कम समय में, मतलब मेरे हिसाब से जितना मैंने पढ़ाई की है या फिर अध्ययन करने की कोशिश की है या फिर मुझे भी बहुत सारा मतलब ज्ञान मिला है इन सारी चीज़ों से, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि 10-15 जन्मों में भी कोई इंसान बहुत ही जल्द अपनी प्रगति कर सकता है इन सारी चीज़ों से। महत्वपूर्ण यही है फिलहाल आपके सामने जो चीज़ है उसका सामना करने की कोशिश करें। जो भी आपको मतलब जो चीज़ें कहते हैं ना कि समझ में नहीं आ रही होगी, आप बिंदास मुझे पूछे, मैं मतलब थोड़ा सा वक्त कभी कभी लग सकता है जवाब देने के लिए, लेकिन मैं ज़रूर जवाब दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़िंदगी का ही ये सार है कि हम किस तरह से जीते हैं और इस दुनिया से किस तरह से आगे बढ़ते हैं आत्मलोक में और सातवें लोक तक जाते हैं। मैं सातवां लोक इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि अगर हम सातवें लोक में नौवें स्तर पर पहुँचते हैं और सातवां लोक अगर हम पार कर लेते हैं तो फिर से हमें पृथ्वी पर नहीं आना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी गंभीर बात है। और अगर फिर पृथ्वी पर फिर से भी आते हैं कुछ आत्माएं, लेकिन वो उनको मतलब आना ही पड़ता है ऐसा नहीं, हम सब लोगों को बहुत लोगों को आना ही पड़ता है क्योंकि वो उनका स्तर अब तक उतना नहीं पहुंचा है। अगर हम सातवें स्तर पे अगर पार कर ले सातवां स्तर तो एक नया आयाम वहाँ पे शुरू होगा और हम डायरेक्टली वहाँ पे कहते हैं ना कि मोक्ष जैसे ही चीज़ वहाँ पे आयाम में जाएंगे, मतलब मोक्ष ही प्राप्त कर लेंगे। वहाँ पे हम हमारी स्वतंत्र इच्छा को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि अब आप क्या करना चाहते हैं। तो बहुत सारी आत्माएं, ज़्यादातर आत्माएं मतलब 80-90% आत्माएं वहाँ पे रहकर ही आत्मलोक की जो आत्माएं होती है उनको मार्गदर्शन करती है, लेकिन कुछ ऐसी भी आत्माएं होती है, मैं उनको संती कहूँगा, जो फिर से पृथ्वी पर आते हैं और लोगों को मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सातवें लोक पर अगर कोई आत्मा है, कोई मतलब अभी राम और श्याम का मैंने उदाहरण दिया, अगर राम नाम की जो आत्मा है वो अगर सातवें लोक में अगर वेट भी करते हैं तो उसको सिर्फ वेट ही करना पड़ रहा है, उसको ज़्यादा कोई भी वहाँ पे दुख नहीं होगा। और सातवें लोक की ये बात है तो आप समझ सकते हैं कि वो बहुत ही खुशी से वहाँ पे रही होंगी। अब बात करते हैं, सिर्फ बात इतनी है कि हम किस तरह से आगे बढ़े। हम ज़्यादा इन सारी चीज़ों के बारे में मुझे लगता है कि ना सोचे तो अच्छा होगा, हम किस तरह से आगे बढ़े और किस तरह से उस कहते हैं ना कि मोक्ष को प्राप्त करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उस सवाल का ही जवाब हमें मतलब कहते ना कि मरते दम तक ढूंढना है और उस तरह से काम करना है, सिर्फ ढूंढना नहीं है, हमें इन सारी चीज़ों का चयन अभी मैंने कहा कि कर्तव्यता स्थित प्रज्ञता और विवेकशीलता को, इन अगर गुणों को हम धारण करके जीते हैं तो हम कभी भी नीचे स्तर पर नहीं जाएंगे। पृथ्वी पर भले ही ऐसे लोगों की ज़िंदगी कभी कभी दुखमय हो सकती है, लेकिन मैं फिर से कहता हूँ कि
इन सारी चीज़ों से हमें जो मिलने वाला है वो इतना बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते। और दुखमय की बात करें तो क्या मैं आपको बोलूँ दुख के बारे में, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के साथ बहुत ही दुख होता है, या फिर इंसान की मतलब पृथ्वी है ही दुखमय सच कहूँ तो। इसलिए मैंने दो वीडियोज़ भी आपके सामने रखने की कोशिश की थी कि जीवन दुखमय ही है, और ऐसे लोगों के मैंने उनमें नाम बताने की कोशिश की थी जिन्होंने समाज के लिए बहुत ही अच्छा किया है लेकिन फिर भी उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ। तो मैं यही हाथ जोड़कर कहूँगा कि हमारे सामने जो भी दुख है हमें उससे मतलब कहते ना कि इन सारी चीज़ों का सामना करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं यही कह सकता हूँ कि आप कोशिश करें, मुझे पता है कि दुख इतने बड़े हैं कि उसका सामना करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आप अच्छे से मतलब इन सारी चीज़ों को सचमुच पार कर सकते हो और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो। विश्वास रखिए इन सारी चीज़ों में कि हाँ ये हो सकता है। और आप जिन्होंने अपने करीबी को खोया है, मैं हाथ जोड़कर उनसे फिर से कहता हूँ कि वो हमेशा के लिए आपसे दूर नहीं गए हैं, उनकी और आपकी फिर से मुलाकात होगी उस लोक में, और ऐसी मुलाकात होगी जहाँ पर आपको कोई भी जुदा नहीं कर सकता और आप उनसे सारी अपने दिल की बातें सारी बातें कह सकोगे, और मतलब आप बहुत ही उनसे प्यार से बातें कर सकोगे, उनके साथ खाना भी खा सकोगे, बहुत ही मतलब बहुत ही आनंद से वहाँ पे आप रहोगे। सिर्फ जो प्रश्न है वो इसी ज़िंदगी का है, तो मैं यही कहूँगा कि आप अच्छे से इन सारी चीज़ों का सामना करने की कोशिश करें। कभी भी किसी भी ज़बरदस्ती से मैं वहाँ पे आप जाना चाहता हूँ इस तरह से ना सोचे। क्यों? क्योंकि इन सारी चीज़ों से हमें खुद को दुख होगा सबसे पहले, उसके बाद जो हमारे करीबी है उनको ज़्यादा दुख होगा क्योंकि हमने इन सारी चीज़ों को पार नहीं किया सफलतापूर्वक, और उसके बाद दुख तो होने वाला ही है अगर हम कोई आत्महत्या वगैरह करते हैं तो। और तीसरी चीज़ जो सबसे बुरी होने वाली है वो ये है कि फिर से इन सारी चीज़ों का चयन करके हमें पृथ्वी पर आना होगा। तो ये तीनों चीज़ें बहुत बुरी है अगर देखा जाए तो आत्मा के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि जो हमारे सामने है उसका सामना करने की कोशिश करें, कभी भी ज़बरदस्ती में कोई कहते ना कि गलत कदम उठाने का कोशिश ना करें, क्योंकि इन सारी चीज़ों से ये अभी मैंने दो तीन चीज़ें आपको बताई वो उससे उतना बुरा हो सकता है। तो आज का भाग मैं इसलिए कहने का वाला था क्योंकि जुड़वा आत्मा को लेकर कभी कभी बहुत प्रश्न पड़ते हैं कि अब ये एक से मतलब एक का ही आगे जाना कठिन है तो दूसरा कहाँ से जाएगा, या फिर मैं किस तरह से जीऊँगा वगैरह। तो आपको ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसमें यही कर सकते हैं कि हम खुद को बदलाव ला सकते हैं, हम दूसरे में बदलाव नहीं ला सकते। तो आप खुद बदलिए, और मैं यही कहूँगा कि हम अगर खुद बदले तो हम बहुत ही आगे जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे वेट ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है सातवें लोक में। और सातवां लोक की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे बहुत ही खुशियाँ है। सातवें लोक बारे में मैंने आत्मलोक की जो वीडियो बनाई उसमें भी कहा था कि वो वहाँ पे इतनी सुंदरता है कि हम उसके बारे में मतलब सोच भी नहीं सकते, इतनी सुंदरता है वहाँ पे। तो उतने अच्छे लोक में अगर हम सिर्फ वेट करें दूसरों का तो उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका सिक्के का हमें दूसरा हिस्सा ये भी बताता है कि ये भी हो सकता है कि वो हमारा वेट कर रहा होगा, मतलब हमें ही आगे बढ़ना है। तो सारी जिम्मेदारी कहते ना कि बड़े बड़े लोग जो होकर गए हैं वो हमेशा खुद पर जिम्मेदारी लेते थे, तो मैं यही कहूँगा कि आप खुद पर जिम्मेदारी लो और आपको कोई बड़ा तो काम करना नहीं है, हमें बस अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीने की कोशिश करनी है। और जितना समाज के लिए अभी मैंने आपसे कहा कि समाज के लिए करना मतलब क्या करना है, उसी तरह से अगर हम जीते हैं तो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी हम जी सकते हैं। सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप इन सारी चीज़ों का अंगीकार करते हो तो आपसे भी बहुत लोग प्रेरित हो सकते हैं और वो भी सुधर सकते हैं और वो भी एक अच्छी ज़िंदगी लोगों को दे सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं कहता हूँ कि पॉजिटिवली ले और आगे बढ़े। ईश्वर हमेशा आपके साथ है और आपको ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ईश्वर ही नहीं, उच्च भली आत्मा है या फिर हमारे मार्गदर्शक जो हमारे करीबी आत्मा है वो भी हमारे लिए बहुत प्रार्थना करते हैं वहाँ पे कि हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए। आपको ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज के इस भाग को लेकर अगर कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखने की कोशिश करना, हमेशा खुश रहना, समाधानी रहने की कोशिश करना। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।